सर नाय All right, hi everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. All right, so I hope you guys are clear in terms of today's target. आप लोगों ने remainder part of the surface chemistry video lecture देख लिया होगा जो colloid से related था, and you would have prepared your notes as well. And what we are going to do is go through those concepts in a step-by-step manner, understand and clarify any doubts that you might have. एक एक करके चलेंगे एंड देन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर केमिस्ट्री बिट इज इट दैट आप लोगों को भी एडीसीएच सर का लेक्चर लगा हुआ है फॉर न्यूक्लियर केमिस्ट्री उनका सॉल्यूशन चालू है अच्छा सॉल्यूशन उनका चल रहा है ओके ओके एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए अब तक नहीं आया टाइम टेबल अच्छा अच्छा ठीक है चलो ऑल राइट देन लेट्स ट्राई एंड क्लोज दिस टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री टुडे सर एक्चुअली आई हैव सम डाउट्स हां राइट सरफेस केमिस्ट्री में ठीक है एफबीओ कौन से पार्ट से है लाइक फ्रॉम द एडसॉर्प्शन वाला पार्ट या फिर कोलॉइड्स वाला पार्ट एडसॉर्प्शन अच्छा बताओ सर एफबीओ का 5th 8th 9th और 17th बताया गया था आप लोगों को एंड ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना दैट जनरली डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सर्फेसेस अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक है कॉमनली अगर आपके साथ में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दैट किसी गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ अ मेटल इट इज हाईली लाइकली दैट विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था एट्थ वाला एट्थ तो यहां एक सेकंड वो ऊपर जो नोट लिखा है वो लिखना है मुझे हां मैं भेजूंगा ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट लैपटॉप पे यूज करें अच्छा तो भी लैपटॉप से भी स्क्रीनशॉट आता है ऐसा तो पेंट पे जाना पड़ेगा फिर वो लंबा प्रोसेस है अरे प्रिंट स्क्रीन दबा अरे मैंने वही किया वो भी तो आता है स्निपिंग टूल विंडोज यूज कर रहे हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला आपने लिमिटेशन ऑफ ओनली इक्वेशन हाँ तो ये ऑल ऑफ दीज आर लिमिटेशन ना लाइक फ्रॉन्डलिक इक्वेशन जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसको लाइक एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट करने के हिसाब से वी हैव टू चेंज हाउ एन चेंजेस अगर लो प्रेशर कंडीशन है तो एन को वन लेते हैं देन मॉडरेट प्रेशर में एन ग्रेटर देन वन होता है एंड हाई प्रेशर कंडीशन मच मच ग्रेटर देन वन सो दैट एन वेरीज सो दैट बिकेम बीएनसी समझ में नहीं आया बीएनसी पॉइंट पॉइंट यही है ना आपका जो एन का वेरिएशन है यहाँ पर आप देखोगे ये फ्रॉन्डलिक इक्वेशन आपने जो डिस्क्राइब करी थी एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इनटू पी रेस्ट टू द पावर ऑफ वन बाय एन राइट और लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू log k
प्लस वन बाय एन लॉग पी. तो इसमें कैसा हो रहा था दैट दीज के एंड एन दे डिपेंड ऑन प्रेशर ऑल्सो. ठीक है, हम लोग जब ये ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे थे x by m versus p ka, we had to break this equation into two parts, initial phase, moderate pressure, low pressure, moderate pressure and high pressure. Inme like in tino mein like k aur n ka values vary kar raha hai, that became a, you can say, limitation or a drawback of Frontec isotherm. ठीक है, देन नेक्स्ट बताओ सर. नाइन्थ वाला कौन सा था? हाई टेम्परेचर में डिटेक्टेबल हो जाएगा ना, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो at high temperatures, extremely high temperatures, this will approach zero. और बताओ. So 17th. Sir, लेकिन saturated क्यों नहीं होगा? सैचुरेटेड तो किसी वैल्यू पे जाके होता है ना, मतलब यहाँ पर तो इट इज अप्रोचिंग जीरो ना. लाइक वी से दिस विल बी सैचुरेटिंग, लाइक इट विल बी रीचिंग सर्टेन वैल्यू एंड गेटिंग सैचुरेटेड. यहाँ पर तो इट इज अप्रोचिंग जीरो ना. अच्छा ठीक है, देन नेक्स्ट 17th. इसमें है क्या 17th? देख के बताते हैं. सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब वो डेफिनेशन है बेसिकली. द डेफिनेशन. और नेक्स्ट बताओ. अच्छा 19 थोड़ा मैंने समझा. 19 तो मैंने क्लास में कराया था ना, वो वहां पर डेटा इनसफिशिएंट था, फिर ही मैंने क्लास में कराया था. क्लास में थी लास्ट टाइम सर? नहीं करा था 19. करवाया तो हुआ. ये देखो, ये था 19. इसमें वो क्वेश्चन में एरर था, लाइक डेटा नहीं दिया हुआ था, तो ये इंटरसेप्ट मैंने दिया आपको और फिर आपको बोला कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, इसमें ये ओ ए की वैल्यू बेसिकली लॉग लेना था आपको, एंड इसमें अब ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका एक्स एक्सिस था, तो ये आपका स्लोप हो गया था और ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया था. तो बेस्ड ऑन द डेटा इन द ग्राफ यू गेट द वैल्यू ऑफ एन, यू गेट द वैल्यू ऑफ के एंड देन यू सब्स्टिट्यूट. के आपका 0.2 आ जाता है, यानी के इनफैक्ट 2 आ जाता है, 0.22, तो उससे आपका x by m का वैल्यू आ जाएगा 0.4 at 1 atm.
ठीक है। राइट नेक्स्ट, और कौन सा डाउट था? 23rd। ये इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो आप उससे इनिशियल मोल्स बता दो कितने होंगे ऑक्सैलिक एसिड के, फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल मोल्स बता दो तो कितने मोल्स अड्जॉर्ब हो गए वो आप बता पाओगे, मोल्स से आप मास बता दोगे कितना मास अड्जॉर्ब हो गया। अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट एड्जॉर्ब अपॉन मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 ग्राम ऑफ चारकोल है तो उसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट हाउ मच ऑक्सैलिक एसिड इज एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ कार्बन। समझ में आया? देखो ना इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मच ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज एड्सॉर्ब्ड, राइट। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इनिशियल मोल्स, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल मोल्स पता पड़ जाएंगे तो जितना डिफरेंस था वो एड्सॉर्ब हो गया ना, और ये मोल्स हैं तो इनको मास में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बाय मोलिकुलर वेट, राइट। ट्वेंटी फोर्थ में आप देखो ये आपका एक्सप्रेशन रहता है लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग सी का, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन कब रहेगी, ठीक है। इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कब रहेगी, जब ये टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। ये टर्म जीरो कब हो सकता है, उसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एन इंफिनिटी हो, राइट, या फिर सी वन हो, राइट। तो यहां पर अब हमें सी के ऊपर कमेंट करना है तो दैट बिकम्स बी ऑप्शन एज योर आंसर। इसमें एक्चुअली आई थिंक नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग ना, लाइक 25th में लाइक सबसे पहले डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट्स का ऑन द सरफेस, देन उनका एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन होने के बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट, एंड देन डिसॉर्प्शन हो जाएगा प्रोडक्ट्स का। तो 2, 3, 4, 1 ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो द रॉन्ग प्रिंट क्या है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें प्रिंटिंग में। अच्छा वो लीक टेस्ट वाले का क्या था आंसर, एल्युमिनियम वाला 22nd? वो मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली, लीक टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अपने इनऑर्गेनिक में, पढ़ा है? देखना पड़ेगा, आई थिंक इसका बी ऑप्शन आंसर है, बट देन यू विल हैव टू स्टडी लेक टेस्ट ऑफ एल्युमिनियम आयन, होता क्या है, डू यू रिमेम्बर? लेक टेस्ट ऑफ एल्युमिनियम आयन, ड्राई एल्युमिना is adsorbed by gelatinous AlOH whole thrice precipitate to form a red lake and a colorless solution.
ओके ये ALOH होल थ्रा इसे लिख रहा है लेक टेस्ट ब्लू लिटमस और बताओ पास हो गया हां सर मैंने आपको चैट पे भेजा है क्या कह रहे हो हां सर चैट पे आपको डाउट्स भेजे मैंने कौन से क्वेश्चन देने हैं अच्छा अच्छा एक मिनट 6 17 20 एंड 22 तो 22 तो यही है एक एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि लीक टेस्ट ब्लू लिटमस वाला क्या होता है ठीक है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आयन कहां पर एड्सॉर्ब हो रहा है देन 20 अभी अपन ने डिस्कस किया ना आपको सिक्स में भी चाहिए वो ऑक्लूजन क्या होता है वो ऑक्लूजन मतलब यही जो इसने डेफिनेशन दिया ना कि मेटल की सरफेसेस पे गैस के एड्सॉर्प्शन को ऑक्लूजन बोलते हैं सर तो ऑप्शन बी में उसको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते कौन सा सेम क्वेश्चन में ऑप्शन बी में सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय मेटल फॉर्म दी तो उसके लिए भी कोई टर्मिनोलॉजी होगी नॉट समथिंग दैट आई एम अवेयर अबाउट एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय मेटल्स ओनली ढूंढना पड़ेगा नॉट समथिंग दैट आई एम अवेयर अबाउट एंड ये वाला जो आपने पूछा कौन सा पूछा था अभी 20 वाला इसमें नहीं है कोई 20 वाला क्या क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग आइसोथर्म क्या बोला जा रहा है x by a when point b is reached desorption may start along ab x by m is proportional to p raised to the power of 1 by n along OA. हाँ मतलब इसमें सभी ठीक लग रहे हैं लाइक यहाँ पर देर इज नो डिपेंडेंस ऑन प्रेशर सो ऑल ऑफ दीज हाँ यहाँ पर देर इज अ डिपेंडेंस ऑन प्रेशर तो ये 1 by n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली तो एन का वैल्यू 1 रहना चाहिए वो एक्चुअली मेरे को लग रहा है उन्होंने वो टाइपिंग में वापस से ये कर्व था जिसको उन्होंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन थोड़े रीजन में है लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कर्व ओनली क्वेश्चन का टाइपिंग का फ्लो है सर वो डिसॉर्प्शन तो हमेशा ही हो रहा होगा कुछ एक्सटेंट पर डिसॉर्प्शन तो हमेशा ही हो रहा होगा ना कुछ एक्सटेंट पर हाँ हाँ थ्रू आउट इसमें इक्विलिब्रियम है वही मुझे बी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है दैट डिसॉर्प्शन मे स्टार्ट अलोंग ए बी तो ऐसा नहीं है डिसॉर्प्शन तो थ्रू आउट इसमें रहेगा एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों होता रहेगा But what it is trying to say is that extent of desorption
मतलब यू कैन से दैट प्रेशर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है एंड देन यहाँ पर सैचुरेट हो रहा है. ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है टू से दिस बिकॉज इक्विलिब्रियम तो थ्रू आउट रहता है. लाइक आप इस प्रेशर पे भी अगर रोक दोगे तो यहाँ पर इतना एक्सटेंट का एडजॉर्प्शन हो रहा होगा और साइमल्टेनियसली डिसॉर्प्शन भी हो रहा होगा. सो डिसॉर्प्शन मे स्टार्ट अलॉन्ग ए बी इज नॉट टेक्निकली करेक्ट. Yes, sir. True. So, ये इस तरीके से मतलब इसमें ए एंड सी को कर सकते हो, बी को मैं इनकरेक्ट ही मानूंगा. ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है? ये आगे कैटलिस्ट वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने ट्राई करें जो ये 100 and something के आगे वाले क्वेश्चंस थे, उसमें भी कुछ एक आध डाउट आया हो? नहीं सब किए थे, आपको पूछना भूल गई. बोलो बोलो. The efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction is due to its capacity. The efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction is due to its capacity of forming enzyme substrate complex, decrease the bond energies of the substrate molecule, change the shape of the substrate molecule. नहीं नहीं, ये तो ये वाला पार्ट था ना जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का लाइक कॉम्प्लेक्सेशन catalysis ka part tha, like towards the end yahan par how the enzyme catalysis mechanism works is that ye enzyme substrate complex lock and key model to bolte hum log wo form ho pata hai. This is what results in the faster formation of products. To isme jo most suitable answer rahega aapka wo aapka a option hi rahega. और बताओ ये वाला एक्चुअली यहीं पर ही था, किसी ने यहाँ पर डाला था ये 115 के लिए ही है. इसमें अच्छा नहीं नहीं नॉट 115 ये वाला नहीं है. 115 में एक मिनट ये मिनिमम एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड टू परमिट द रिएक्शन, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कैसे बोलते हैं ये आप याद रखना. लाइक व्हेन वी यूज टू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस एनर्जी वाला ग्राफ राइट, तो इसमें आप लोगों ने ये वाला ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था. ये रिएक्टेंट का था, ये प्रोडक्ट का था, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एच. ठीक है, वैसे ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल होता है ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इनके बीच का जो गैप रहता है विद रिएक्टेंट्स, इसको हम ई ए फॉरवर्ड एंड इसको हम लोग ई ए बैकवर्ड बोलते हैं. सो द मिनिमम एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल है वो तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल रहता है, दैट इज फॉर द रिएक्टेंट्स टू परमिट द रिएक्शन. तो दे हैव टू क्रॉस ओवर दिस थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर बाय ओवरकमिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. समझा? 121
121 वो थोड़ा सा रट्टा मारने वाला ही है, मतलब जो ये ZSM5 करके जियोलाइट मैंने आपको बताया था, हमने एक जनरल आइडिया लिया था कि अल्यूमिनियम सिलिकेट्स का रहेगा, अल्यूमिनियम एंड सिलिकन के ऑक्साइड्स का नेटवर्क रहता है, बट उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? एंड आई वुड नॉट इंसिस्ट मच ऑन रिमेम्बरिंग दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है. में तो एक्चुअली ये इट इज मोर ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ये जो ओजोन का डिप्लीशन होता है ना, इट बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स, ये जो फ्रीऑन्स होते हैं उनसे, या फिर ये जो NOB ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, ये जो NO के रेडिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी होता है ये. तो आप थोड़ा, इट इज लेस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मोर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एंड दूसरा कौन सा बोला आपने? 123rd में तो यही वाला केस हो गया ना. अभी ईए फॉरवर्ड ईए बैकवर्ड कब बराबर होगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी बराबर हो जाएगा. तो वो कब होगा? जब डेल्टा एच सी हो जाएगा. सो हो गया, थैंक यू सर. ठीक है, ग्रेट. और किसी को कोई डाउट्स है फ्रॉम द क्वेश्चंस इन बुकलेट? आप इसमें से मत देखो, फिर ऐसा करो वो जो रहती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक्स, उसमें रहेगा सरफेस केमिस्ट्री के, क्योंकि क्वेश्चंस काफी आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के. डिसेंट वेटेज है, मतलब लाइक इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एडवांस में, मींस में कई बार एक या दो क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं. सर क्योंकि आपको वीडियो था ना, आपने वो चार ऐसे बॉक्सेस बनाए थे, तो उसमें सरफेस केमिस्ट्री सॉल्यूशन जो सॉलिड स्टेट का है, तो उसमें लिखा था लोअर एफर्ट एंड लोअर वेटेज, या फिर लोअर वेटेज एंड हायर एफर्ट, ऐसा कुछ था उसमें. तो आते हैं इससे क्वेश्चंस, लाइक ऐसा नहीं, मतलब इसमें एफर्ट कम जाता है डेफिनेटली पढ़ने में, बट हाँ क्वेश्चंस आएंगे इससे, ऐसा नहीं कि स्किप करके चल जाओ, और स्कोरिंग रहेगा काफी. क्वेश्चंस भी काफी इजी रहेंगे. दोनों करना चाहिए, देखो अभी मॉड्यूल वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना लिए, ठीक है, उसमें मॉड्यूल का मेजर कंटेंट कवर हो गया है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो है ना वो भी अटेम्प्ट करो, एंड उसके बाद में आपको ये प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, मतलब जैसे सरफेस केमिस्ट्री के जो जो क्वेश्चंस थे, तो आप देखोगे काफी इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? जैसे इफ यू वुड वांट टू डिस्कस प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन डिस्कस करूं मैं आप लोगों के साथ में, जेई मेन्स वाले करता हूँ पहले. आप लोगों ने पढ़ लिया है ना ये दिस थिंग, जो सेकंड पार्ट था वो भी पढ़ लिया है, कोलाइड्स वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ
सर आप भी एक बार करवा दो ना तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, फिर कोलाइड्स वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं जेई के क्वेश्चंस बताऊंगा। जेई के क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप देखोगे तो लगेगा आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं। एटलीस्ट मैं आपको चलो लाइक इसके बारे में बता देता हूँ। सर हाँ नेक्स्ट टाइम भी लोगे ना डाउट्स? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट टाइम भी लोगे ना डाउट्स? हाँ हाँ अपने पास अगला क्लास भी है ना, आई थिंक कल का क्लास है तो उसमें ले सकते हैं अपन रिमेनिंग डाउट्स। सर आज आप होमवर्क देंगे ना? हाँ मतलब ये बच्चों का कोलोइड्स के बेसिस पर जितना था वो आपको करना पड़ेगा ना बुकलेट से। वही आपका होमवर्क है। ऑलराइट, सो कोलोइड्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा होगा, लाइक इट स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो how colloids are defined based on the size of the solute particles in the solution. Like we generally say in terms of the size like agar kafi chota size hai solute particles ka to unko true solution ki category mein dal dete hain, right? Agar aapka bada size hai तो वो कोलॉइड या सस्पेंशन की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, एंड इन तीनों कैटेगरी में बेस्ड ऑन दिस कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स देर आर दिस डिफरेंसेस दैट कम इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी द सेपरेबिलिटी द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ व्हाट द सॉल्यूशन इज। तो इसमें हमारा मेजर फोकस इन कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर रहता है। ठीक है, नाउ वी ऑब्जर्व दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स और दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन टू बी मेड अप ऑफ टू फेजेस डीपी एंड डीएम। डीपी इज बेसिकली योर सॉल्यूट एंड डीएम इज योर सॉल्वेंट, राइट? अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है या कोलॉइडल सॉल्यूशंस है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे का भी एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेस इन कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एंड टू इलैबोरेट ऑन द रोल ऑफ दैट सरफेस आई विल टेक दिस एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI, राइट? तो ये AgI का कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा रहता है इसमें नोटिस करना, जो DP है वो AgI का पार्टिकल रहेगा ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस with I minus ions adsorbed on its surface, and जो DM रहेगा dispersion medium that will be water. ठीक है, now अब notice करना when this AgI का colloidal particle is existing, what is the role of surface in helping this colloidal particle stay stable? तो the reason is that ये AgI का जो aggregate होता है इसकी जो size है कोलॉइडल डायमेंशंस में उसमें जो सरफेस जनरेट होता है, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर आई माइनस आयंस अड्सॉर्ब कर इस कोलॉइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी मिलती है। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा, ये अड्सॉर्प्शन नहीं होगा इन आयंस का ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइड, देन दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन एक्चुअली मर्ज विद ईच अदर एंड फॉर्म सस्पेंशन। अभी बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का लेयर अराउंड देम दे आर forced away from each other, they undergo repulsion if they come close to each other. ठीक है, तो ये जो presence of surface है on the colloidal particle, it is quite crucial and plays an important role in its stability. ये तो मैंने एक inorganic colloid का example लिया। Organic colloids में भी मतलब जो particles के size होते हैं वो itself इतने बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें aggregation की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई मिल्क का एग्जांपल है तो उसमें प्रोटीन के पार्टिकल्स आर ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस, एंड इनमें अगेन द सरफेस प्लेज अ क्रूशियल रोल बिकॉज दिस सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, लाइक दे
readily interact with water molecules, and water molecules then surround that entire colloidal particle and protect it or prevent it from further coagulating. Okay, so again, this colloidal dimension particle is prevented from merging with each other because of this protective layer of water around it. इसमें अगर आप जैसे मिल्क का जो एग्जांपल है, अगर आप इसके अंदर बॉईल करके इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दो, लेमन डाल दो, विनेगर डाल दो, नमक डाल दो, तो क्या हो जाता है, ये लेयर आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, एंड व्हाट वी सी इज दैट द कोलॉइड अंडरगोस कोएगुलेशन, मतलब दूध का पनीर बन जाता है, जो अंदर प्रोटीन्स के पार्टिकल थे वो आपस में अब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, और पानी सेपरेट हो जाता है. तो दैट इज वाई द रोल ऑफ सरफेस इज क्वाइट क्रूशियल इन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स. दैट इज द रीजन वाई वी स्टडी दिस चैप्टर अंडर सरफेस केमिस्ट्री. ये समझ में आया? ठीक है, सो ये बेसिक्स ऑफ व्हाट कोलॉइड इज, हाउ इट डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम सस्पेंशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस, राइट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कोलॉइड एंड व्हाट रोल डज सरफेस प्ले. ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है कोलॉइड्स का, जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के साथ में यू माइट ऑल्सो आस्क मी देन लाइक वॉट इज द इम्पोर्टेंस, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट कोलॉइड्स जो हम ये अलग से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन थिंक एंड अंडरस्टैंड दैट ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनका एक काफ़ी मेजर एप्लीकेशन, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में रहता है. नाउ what happens is that there are certain medications which you will find are given to you in form of colloidal solutions. वैसे जैसे shake well before use वाली medications आती है ना, तो वो कैसी medications होती हैं? They are primarily colloidal solutions. और वो colloidal solutions क्यों होती हैं medications? Because अगर वो colloidal solution नहीं होती, वो precipitate बन जाती, तो क्या होता, जो मेडिसिन के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सब साथ में मर्ज हो जाते हैं और उनका सरफेस एरिया कम हो जाता. बट बिकॉज वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, एंड दैट ग्रेटर सरफेस एरिया विल प्ले अ ग्रेटर रोल इन योर हीलिंग प्रोसेस. लाइक दे विल शो अ ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिमूविंग एनी bacteria or viruses inside the body. So that's why those colloidal particles are, or one of the reasons why colloidal particles make an important case for study. Okay, then in fact aur bhi colloidal examples hote hain, like aerosols, ya fir you can say jo smog and all rehta hai, which comes as a harm to environment, to uski study is also something which is important because they are again these colloidal particles only. So bahut sari applications hai. So in terms of its application, ye kafi ek research topic hai, theek hai, in terms of our syllabus covering, theek hai, we will be looking at certain basics of what these colloidal solutions are. Theek hai, to iske piche ka background tha. Once that background is clear to you, then हम colloids की classification करने जाते हैं, and in classification के साथ साथ ही हमें colloids की variety और इनके properties के बारे में idea लगता जाता है. तो हम लोग जो classification करेंगे ये multiple ways में करेंगे. ये पहला way of classification was basis the physical state of DP and DM. Now DP DM can be solid liquid gas, so based on that 3 into 3, 9 combinations are possible, but you will see यहाँ पर 8 ही दिए हुए हैं. The ninth one, which is gas and gas, is missing because gas and gas is not a heterogeneous mixture. It is a homogeneous mixture, so we don't classify it under colloids. Okay. And now, if you notice this table, आपके सामने एक simple understanding is table को अच्छे से याद करना है. जो type of colloids हैं, depending upon the physical state of DP and DM, ये आपको नाम याद रखने हैं. इनके examples भी आपको याद रखने हैं because sometimes question come in the opposite way around. Like they can ask, milk is what type of colloid? So you should be ready with an answer that it is in emulsion, liquid and liquid type. ठीक है, जो fog है वो किस type का colloid है? So it is liquid and gas. Smoke जो है वो किस type का colloid है? So blood में liquid and liquid होगा ना? कौन सा? Blood.
ब्लड ब्लड एक्चुअली ब्लड 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 इज इफ आई करेक्टली रिमेम्बर ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है बट लिक्विड इन लिक्विड या फिर सॉलिड इन लिक्विड दोनों चीजें हो सकती है आई विल हैव टू चेक ब्लड एज कोलाइड सॉलिड एंड लिक्विड टाइप का कोलाइड लग रहा है वो एट द फर्स्ट लुक ऑफ इट ठीक है तो ये एग्जांपल्स आप डेफिनेटली ध्यान में रखना लेकिन पे क्वेश्चंस भी सॉलिड एंड लिक्विड होता है हाँ मतलब प्राइमरीली मुझे ऐसे ही लग रहा है ये बाय द लुक्स ऑफ इट एक बार किसी बुक में देखना पड़ेगा विच टाइप ऑफ कोलाइड वुड ब्लड बी मतलब ऐसे जस्ट बाय लुकिंग एट समथिंग डिफरेंशिएट करना मुश्किल रहता है डिटेल जरूर कवर करनी पड़ेगी मोस्ट लाइकली सॉलिड एंड लिक्विड लग रहा है सो वो डिस्कनेक्ट हो गया था वापस बताएंगे नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूँ मोस्ट लाइकली लिक्विड एंड सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड टाइप का ही लग रहा है ये ब्लड एंड सर कोलोइडल गोल्ड क्या होता है नॉर्मल गोल्ड से कुछ अलग होता है सेम ही नाम है नहीं नहीं मतलब अलग होता है जैसे ये मैं थोड़ी देर बाद आपको ये बताने वाला था जैसे ये कोलोइडल गोल्ड का फोटोज है अच्छा तो लिक्विड होता है कोई मतलब इसके अंदर लाइक गोल्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कलर जो डीपी आपका गोल्ड रहेगा और डीएम आपका वाटर रहेगा ठीक है एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल द कलर कैन आल्सो बी डिफरेंट सर तो ऐसे बाकी मेटल्स के साथ भी पॉसिबल हो सकते हैं ना जैसे सिल्वर हो गया प्लैटिनम हो गया बिल्कुल मेटल सॉल्ट्स कहते हैं उनको तो इनके कलर और नेम क्या अलग रखने के क्या कह रहे हो पांच तो इनके जो कलर है और उनके नेम से जैसे क्वेश्चन था एफबीओ में पर्पल और कैशलेस क्या है तो वैसे याद रखने के नहीं पर्पल ऑफ कैशियस तो ये आपको वापस से इनऑर्गेनिक में बताते हैं ना हाँ तो हमें वो मतलब जो बाकी तीन जैसे गोल्ड का तीन चार कलर है ना ऑरेंज वगैरह तो वो थोड़ा वो आपको ध्यान में रखना है ओके सर राइट ऑल राइट Now, coming back,
अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ये आप लोगों ने देखा होगा लायोफोबिक एंड लायोफिलिक वाला क्लासिफिकेशन राइट. टिपिकली जो इनऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं वो लायोफोबिक रहते हैं एंड जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं वो लायोफिलिक रहते हैं राइट. एंड इनके एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, एग्जाम्पल्स वाला पार्ट काफी क्रूशल रहेगा इस चैप्टर में. एंड देन देयर वर दीज सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड. इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि आप समझ सकते हो और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे राइट. ये सेट ऑफ डिफरेंसेस आप लोगों ने देखे थे, एक बार क्विकली रीड अप कर लो. इसमें किसी पॉइंट में डिस्कशन रहेगा तो बताओ, विल क्विकली क्लैरिफाई ऑन दैट. एक बार फटाफट रीडिंग कर लो इनकी. ये एग्जाम्पल्स का जरूर ध्यान में रखना, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स आर टिपिकली लायोफोबिक, ऑर्गेनिक वंस आर लायोफिलिक. एक बार पढ़ लो इनको. सर 11th पॉइंट डिस्कस कीजिए. इसमें बिकॉज़ ये लायोफोबिक में चार्ज पार्टिकल्स का प्रेजेंस रहता है ना, तो अगर मैं सॉल्यूशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो द कोलाइडर पार्टिकल्स अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे एंड वाइस वर्सा. बट लायोफिलिक कोलाइड्स में जनरली देर इज नो चार्ज, ठीक है, और समटाइम्स देर इज वेरी लेस चार्ज इफ देर इज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. सो इन पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से कोई माइग्रेशन नहीं होता. कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था AGI का, तो AGI का जो पार्टिकल है लाइक उसको वाटर के लिए कोई अफिनिटी नहीं है, मतलब AGI is insoluble in water. तो उसके अराउंड we don't see water molecules surrounding and hydrating them. Whereas lyophilic colloids में what we say is that the particle has a high affinity for water molecules around it. तो उस particle पे कुछ ऐसे groups present होंगे, polar groups present होंगे which will be attracting water molecules around it. तो वो हाई एफिनिटी का रीजन क्या है? एफिनिटी मतलब लाइक अट्रैक्शन. हाँ सर, तो कोई रीजन है क्या उसका? नहीं समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर कोई रीजन है क्या उसका, किसी रीजन? हाँ हाँ, बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो मैंने प्रोटीन मिल्क का एग्जांपल लिया, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में कैसा रहता है? देयर विल बी NH2 का ग्रुप, COH का ग्रुप्स. तो ये सब कैसे रहते हैं? पोलर ग्रुप्स रहते हैं ना, तो ये सब पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे अराउंड देम. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, नाउ
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑब्जर्व करना, विच वॉज बेसिस द चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स जो है, ये एक डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब मैं किसी एग्जाम्पल को देख के बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा. मुझे इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने रहेंगे, ठीक है. समटाइम्स अगर आपको डेटा मिलेगा तो फिर भी आप बोल सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल AgNO3 और Ki को मिलाकर AgI का कोलाइड बनाया जाता है. अब अगर उसमें मैं Ag+ को एक्सेस में रख दूंगा तो मेरा पॉजिटिव कोलाइड बनता है. अगर मैं Ki को एक्सेस में रख दूंगा तो मेरा नेगेटिव कोलाइड बनता है, क्योंकि इन लायोफोबिक कोलाइड्स द एक्सेस आयन इन द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉमन विद द DP दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस. तो ये AgI के साथ में कॉमन क्या है सॉल्यूशन में, यहाँ पर आप देखोगे अगर Ag+ आयन प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. इन दिस सिनेरियो राइट हैंड साइड में I- आयन जो थे वो कॉमन थे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंगली आपके क्लोराइड पार्टिकल का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है. बट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये आपको क्वेश्चंस में एलैबोरेट करके नहीं मिलती है, ठीक है. तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स का ध्यान में रखो कि कौन से पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स बनाते हैं. तो इसमें ये सेट ऑफ एग्जाम्पल्स आपके लिए याद रखना क्रूशल रहेगा, ठीक है. मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ये सब आपके पॉजिटिव कोलाइड बनाते हैं, ठीक है. मेटल के जो सॉल्ट्स रहते हैं लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कॉपर, इनके जो सॉल्ट्स रहेंगे नेगेटिवली चार्ज रहेंगे, ठीक है. मेटल सल्फाइड्स जो रहते हैं उनके भी जो सॉल्ट्स बनते हैं ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है. SnO2 क्या है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है. तो वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग टाइप का सॉल्ट बना देता है. एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव सॉल्ट बना देता है, बेसिक मीडियम में नेगेटिव सॉल्ट बना देता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, विच आर यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप ऑफ कोलाइड्स. और ये आगे भी काम आते हैं, स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा जो हार्डी शोल्ज रूल वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं. तो वहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द कोलाइड वी विल हैव टू चूज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट विल बी कोएगुलेटिंग द बेस्ट, ठीक है. ये एंड में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो हार्डी शोल्ज रूल? हाँ, मतलब वहाँ तक पहुँचना चाहिए तभी आपको पता पड़ेगा. हाँ तो ठीक है, आप पहुँचोगे वहाँ पे तो आपको समझ में आएगा दैट वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है. देन देयर वाज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ DP, राइट. तो यू हैड मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स, राइट. मल्टी मॉलिक्यूलर में कैसा था, लाइक मल्टीपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस, लाइक एक गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल के बारे में बात करा जा रहा है. तो उसमें कैसा रहेगा, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स जो रहेंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो तो कोलाइडल साइज के नहीं रहेंगे, बट वो आपस में एग्रीगेट करके कोलाइडल साइज का सब्सटेंस बनाएंगे. फिर उसकी जो सरफेस जनरेट हो जाएगी उस सरफेस पर आयन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे and then it will prevent further coagulation and this colloidal dimension particle will exist in a stable manner, ठीक है. तो ये आपके multi-molecular colloids रहते थे. macromolecular colloids में कैसा रहता था, जो individual particles हैं, individual molecules हैं like protein का या और भी कोई बड़े molecules हैं like polyethylene polymers जो रहते हैं, सेल्यूलोज, ये सब पार्टिकल्स इटसेल्फ आर ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस. सो इफ दे आर ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस तो वो खुद ही अपने आप में कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, दे डोंट नीड एग्रीगेशन, ठीक है. सो दे आर देमसेल्व्स क्वाइट स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है. देन देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड्स और माइसेल्स, ठीक है. तो ये एसोसिएटेड कोलाइड्स और माइसेल्स जो हैं लाइक दीज आर कम सम स्पेशल सब्सटेंसेज, ठीक है. स्पेसिफिक सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया दीज सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स फाउंड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो ये ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, इनको आप पानी में डालोगे तो
तो अंडर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस और लो कॉन्सेंट्रेशंस दे बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में दे टेंड टू बिहेव लाइक कोलॉइड्स. दे शो दिस कोलॉइडल बिहेवियर बाय फॉर्मिंग एग्रीगेट्स. तो वो कैसे रहता है आप नोटिस करना. तो उसके लिए पहले मैं एक बार ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट ये सोप्स या डिटर्जेंट्स में पाया जाने वाला दिस फैटी एसिड्स का सॉल्ट कैसा रहेगा. एन एग्जाम्पल बींग सोडियम स्टेरेट. तो इसमें लाइक यू विल हैव दिस कटायन अनायन एंड दिस अनायन पार्ट विल बी अ हाइड्रोकार्बन अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन विद अ यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन की चेंज रहती है ये हाइड्रोफोबिक रहती है इन नेचर. लाइक इट डज नॉट लाइक वाटर, इट इज नॉन पोलर इन नेचर. Whereas ये जो हाइड्रोफिलिक हेड रहता है, ठीक है, दिस इज समथिंग पोलर इन नेचर, इट लाइक्स वाटर. तो जब ये स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, रिलेटिवली लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको जब यूज करते हैं इन सोल्यूशन, तो ये कैसा रह जाता है, जो ये कटायन थे Na+ आयन है वो तो वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं बिकॉज दे गेट रेडिली इंटरेक्ट विद वाटर मोलिक्यूल्स. एंड जो ये अनायन था जिसमें ये RCO- आयन था, ये एक्चुअली सर्फेस पे इकट्ठा होने लगते हैं. They kind of accumulate on the surface because of the fact that the stearate ion का ये जो hydrophobic वाला part है, ठीक है, जो water को पसंद नहीं करता वो बाहर की तरफ आना चाहता है, और जो hydrophilic वाला part था जो इसका head था वो अंदर की तरफ रहना चाहता है. So this is something how it behaves at low concentration. It behaves like a strong electrolyte at low concentrations. But जब हम इसका concentration बढ़ाते हैं, when we increase the concentration of this substance, then what we see is that these RCO minus ions, they aggregate in a special manner to form micelles. They aggregate in a special manner, and this special manner is something which you can notice here. ठीक है, what happens is यहाँ पे notice करना, the anions are pulled into the bulk of the solution. ठीक है, and they aggregate to form spherical shape with the hydrocarbon chain pointing inwards towards the center of the sphere, whereas the hydrophilic head, it points outwards and interacts with water molecules. And this cluster, this aggregation is called as an associated colloid or micelle. Okay. So this is something which is called as an associated colloid. And isme notice karna that this happens above a certain concentration called as CMC, CMC or critical micelle concentration. Right? Critical micelle concentration experimentally कैसे निकाल पाते हैं? उसके लिए आप notice करना कि जो solution की properties होती हैं, वो abruptly change हो जाती है when the concentration crosses the CMC barrier. मतलब जैसे for example osmotic pressure था. अब एक solution का osmotic pressure क्या रहता था? Pi is equal to ICRT, right? आप concentration of compound बढ़ाते जा रहे हो तो osmotic pressure भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, but जैसे ही CMC के beyond पहुंचते हैं, what happens is the added particles instead of remaining free, they kind of become part of the micelle. The added RCO minus ion, they become part of the micelle. And वहां पर अब फिर osmotic pressure stagnate हो जाता है. Like you don't find osmotic pressure then now increasing as it was doing before CMC. ठीक है, तो उसी तरीके से there are certain other properties also, right, which you can see they show abrupt change upon reaching of CMC. So this is something which is an another category of colloid, like we call it the micelles, which are formed because of this unique aggregation of molecules. ये समझ में आया आपको? Micelles में किसी को कुछ डाउट है? Anything you would want to ask and understand? ठीक है, तो इसमें एक दो चीजें और नोटिस करना. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई CMC की. अब ये CMC जो है critical micelle concentration, इसकी वैल्यू varies from compound to compound. ठीक है, अगर आपका जो DP है उसका अगर hydrocarbon chain लंबा है और longer है तो फिर आपका कम concentration में ही micelle formations हो जाएगा.
ठीक है, वैसे ही अगर आपका डीएम जो है डिस्पर्जन मीडियम उसकी पोलैरिटी कम है तो फिर आपको और सीएमसी और अमाउंट का ये डीपी लगेगा कोलाइडल पार्टिकल्स बनाने के लिए, एसोसिएटेड माइसेल्स बनाने के लिए, ठीक है. एंड देयर इज दिस टर्म क्राफ्ट टेम्परेचर आल्सो व्हिच इज यूजफुल, व्हिच इज अनदर इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज माइसेल्स. That temperature should be above this threshold temperature called as Kraft temperature. तभी micelles का formation होता है. ये समझ में आया आपको? This classification of colloids. नेक्स्ट Kraft temperature के below temperature रहा तो क्या होता है? क्या 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 दोबारा बोलो. जो क्राफ्ट टेम्परेचर है तो जब उसके सिग्निफिकेंस के उससे कम टेम्परेचर रहा है तो क्या होगा? सो व्हाट वी सी इज दैट बिलो दिस टेम्परेचर, एक मिनट, हाँ, बिलो दिस टेम्परेचर द माइसेल फॉर्मेशन डज नॉट हैपन इवन इफ यू एड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. लाइक दिस मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, इसमें टेम्परेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है of how these non-polar particles come close to each other. If the temperature is below Kraft temperature, okay, then this micelle formation is not seen. Okay, sir. Okay. और कोई डाउट इसमें? सर टेम्परेचर हमने थोड़ा मतलब बहुत बढ़ा दिया तो तब भी माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगा ना? दोबारा बोलो. सर हमने टेम्परेचर बहुत बढ़ाया तो क्योंकि वो माइसेल क्लोज आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो हमने अगर टेम्परेचर, ये क्राफ्ट टेम्परेचर ना सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है. मतलब जैसे द थिंग इज कि ये जो क्या बोलते हैं माइसेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये कब रहेगा? जब मेरा डिटर्जेंट या सर्फैक्टेंट सॉल्युबल रहेगा, ठीक है. सॉल्युबल रहने का मतलब इट शुड बी डिस्पर्सिंग ना इनसाइड द वाटर, ठीक है. सो क्राफ्ट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी रहती है सर्फैक्टेंट की, जो भी डिटर्जेंट है मेरा, ठीक है, जो भी मेरा सोप का मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक दैट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू द क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. बिलो दैट टेम्परेचर, राइट, व्हाट वी सी इज दैट अगर सॉल्युबिलिटी कम है, राइट, तो आपका माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ऐसे एग्रीगेशंस नहीं होंगे. आपका जो आपने सर्फैक्टेंट डाला है, सॉल्ट डाला है, वो उसका लैटिस के फॉर्म में ही रहेगा. लाइक उसका जो ओरिजिनल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर था वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. समझ में आया? मतलब आप इसको इस तरीके से, मैं आपको एक और डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकता हूँ, मतलब जो सर्फेक्टेंट रहेगा मेरा, मेरा जो ये सॉल्ट्स रहते हैं, कटायन अनायन के अरेंजमेंट रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है. अब जब क्राफ्ट टेम्परेचर आता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म से लाइक ये सॉल्युबल होकर, ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड देन दे कैन
लाइक फॉर्म दीज माइसेल्स. अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी ही नहीं रहेगी. ये जो मेरा सॉल्ट मैंने डाला, इसकी सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर एंड लाइक मतलब आपको मैं जैसे अच्छा फॉर एग्जांपल लाइक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. जैसे आप इस फॉर्म में सोचो कि ये ए प्लस बी माइनस, ठीक है, ये सॉल्ट है, ठीक है. इसको इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका माइसल कब बनाएगा, ठीक है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट इज ग्रेटर देन सीएमसी. ये सीएमसी की डेफिनेशन है ना. अब ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, कि कितना ये सॉलिड डिसॉल्व हो गया है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, है कि नहीं. अब ये सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मतलब ये सॉल्युबिलिटी इसके केएसपी पे डिपेंड करेगा, और वो केएसपी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. हाँ, तो समझ गया. तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर ये केएसपी एक ऐसी वैल्यू होगा जिससे सॉल्युबिलिटी सीएमसी के बराबर होगी. हाँ, तो समझ गया. ठीक है, ऑलराइट. Now, हाँ सर, अगर हमने टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर दिया तो माइसेल ब्रेक डाउन हो सकते है क्या? अगर काफी हाई टेम्परेचर पे आप लेके चले गए तो हाँ, मतलब कोलॉइड्स के लिए मतलब वो भी हार्मफुल है. मतलब ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो माइसेल का फॉर्मेशन प्रमोट होगा. ये तो क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर के बारे में बात करा जा रहा है जिससे लाइक सॉल्युबिलिटी सीएमसी के बराबर हो जाए. बट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन इट इज गोइंग टू लाइक बी डेटरेंट टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स. ओके सर, समझ गया. ठीक है, यस सर. Alright. अच्छा, then ये properties of colloidal solutions थे. तो ये properties आप लोगों ने देखे होंगे, basic properties थी. heterogeneous character रहेगा, filterability में like they can pass through only special membranes. colligative properties में भी like when we talk about these एक minute guys, just give me one moment. सॉरी, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी कैसा रहता है, इफ यू कंपेयर टू सॉल्यूशंस लाइक देयर इज ट्रू सॉल्यूशन एंड देयर इज कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला होगा इन द सेम क्वांटिटी ऑफ डीएम. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस विल बी मच लेसर. व्हाई? बिकॉज़ कोलॉइडल सॉल्यूशंस में एग्रीगेशन हुआ होगा. Like the number of solute particles would have decreased because of the like these individual particles aggregating together, and that is why we say that colligative properties of colloidal particles observed are quite small. ठीक है. Then optical properties में आप notice करना, we have this important property of Tyndall effect, right? ये Tyndall effect क्या होता है? ये आप नोटिस करोगे, इट इज सिंपली स्पीकिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हैपेंस.
So how you can understand is if you look at these two images, like a true solution है और ये colloidal है, colloidal solution है. अगर आप एक beam of light pass कर रहे हो इनके through, तो you can see यहाँ पे true solution में you don't see a beam, like you don't see the light rays interacting with the solution particles, because the size of these particles is very very small. Whereas colloidal solution के अंदर the size of the particles is large enough for light to interact and get scattered. तो ये scattered light की वजह से ही हम लोग colloidal particles को देख भी पाते हैं. Like with naked eye or with microscopes we can see these colloidal particles because of this scattering. So this scattering of colloidal particles is what is called as Tyndall effect. Now apart from the size of particles, there is another important criteria for Tyndall effect, and that is the difference between the refractive index of dp and dm. So this is the reason we say that Tyndall effect is quite well defined in lyophobic colloids but quite weak in lyophilic colloids. Lyophilic colloids mein kaisa rehta hai, dp dm ki refractive index kafi similar rehti hai, unke beech ka difference kafi kam rehta hai, to unme Tyndall effect kafi weak dikhta hai. But lyophobic colloids mein there is a significant difference between the dp and dm of the lyophobic colloid. The significant refractive index difference ki wajah se Tyndall effect quite well defined observed hota hai. Theek hai, to ye aap dhyan mein rakhna Tyndall effect ke bare mein. Theek hai, is par in fact mains mein bhi question aaya tha thoda time pehle, that it was related to this, that Tyndall effect ki do important ye criteria hai, ek to size of particles and difference between the refractive index of dp and dm. Okay, then another important property of colloidal particles is color. To ye jo color of colloidal solutions rehta hai, this is also something which depends upon the wavelength of the light that is scattered by dispersed particle, and this wavelength that is scattered again depends upon the size of the particles. To jaise gold ka sol rehta hai, तो जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल रहते हैं, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल मतलब जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स रहेंगे वो छोटे रहेंगे, तो वो रेड कलर का रहता है. और ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स अगर बढ़ते जाते हैं तो फिर ये कलर रेड से ब्लू भी हो जाता है. ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्स ऑल्सो, इन विच वी सी द कलर. कलर चेंज होता जा रहा है. नाउ द थिंग इज, जो Tyndall इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब वो ऐसा है दैट व्हेन यू थ्रो अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है, तो उस बीम ऑफ लाइट का आपको पाथ ऑब्जर्व होगा, दैट इज व्हाट वी से एज Tyndall इफेक्ट. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज द सेम, दैट द लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड बाय दीज पार्टिकल्स. ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं एक और फाइनल डिटेल के बारे में बता रहा हूँ कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसमें विच वेवलेंथ, जैसे आपने यहाँ पे विजिबल लाइट डाली तो उसमें तो सारे कॉम्पोनेंट्स है विद ग्योर, तो उसमें से कौन सा वेवलेंथ स्कैटर होता है, that is what determines the color of the colloidal solution. So yahan par what I'm trying to say is, looking at this example of gold, what we find is that gold ke particles ka size agar chota hai, theek hai, then the scattered light is more of the red wavelength, whereas jab particle ka size bada ho raha hai then it is more of the blue wavelength. ठीक है, एंड मे बी आप शायद इसको इस चीज से रिलेट कर रहे होगे दैट रेड का वेवलेंथ तो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लू का वेवलेंथ, उससे बोल रहे हो क्या आप, लाइक हाउ इज इट दैट यू आर रिलेटिंग. ऊपर एक पॉइंट लिखा था ना कि वो ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन दो कंटेनर से, तो हाँ ये वाले में, हम लोग कोलाइडल तो सोल्यूशन है ही सही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ट्रू सोल्यूशन है.
हम विद इन कोलॉइडल सॉल्यूशन डिटेल में जा रहे हैं, दैट डेफिनेटली ये सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन ही हैं और इनका ये सब टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, स्कैटरिंग करेंगे लाइट की, इतना साइज है पार्टिकल्स का, इतने छोटे नहीं है कि लाइक लाइट इंटरैक्ट नहीं कर रही है, बट उसमें मैं बता रहा हूँ कि इवन द साइज, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो सबसे फर्स्ट, हाँ हाँ बोलो, मैं ये बोल रही थी कि जो फर्स्ट वाला उसमें पार्टिकल का साइज सबसे छोटा है रेड वाला, एंड जो लास्ट वाला है उसमें सबसे बड़ा है, तो देखा जाए तो लाइट ही होता जा रहा है सॉल्यूशन में, वैसे बोल रही थी। नहीं नहीं मतलब आप जो बात कर रहे हो वो इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, मैं इंटेंसिटी की नहीं, मैं कलर की बात कर रहा हूँ। जो कलर है वो तो वेवलेंथ से आता है ना। अच्छा। When there is a white light that is incident on these solutions, right? तो ये white light का कौन सा wavelength gets the scattered most, ठीक है, जैसे for example we say sky, या फिर ocean का पानी blue क्यों दिखता है, मतलब why do we see ocean as blue या river as blue, like अगर वही पानी आप एक glass में भरोगे तो आपको तो वो transparent दिखता है, but what happens is as a कलेक्शन मतलब ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड, जैसे स्काई भी है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, बिकॉज जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से सन से जो लाइट आ रही है अर्थ पर, ठीक है, एंड अर्थ के अराउंड उसका एटमोसफियर है, ठीक है, एंड इस एटमोसफियर के अंदर व्हाट वी सी और व्हाट वी फाइंड इज दैट ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है, सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस टाइप का। तो ये लाइट जब इसके थ्रू पास होती है तो इसमें जो ब्लू कलर वाला वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, दैट इज द वन व्हिच इंटरैक्ट्स द मोस्ट विद द कोलॉइडल पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा दैट स्काई ब्लू की जगह रेड भी दिखता है, सर कभी पिंक एंड ऑरेंज भी हो जाता है, हां तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अगेन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर देयर, अगर ज्यादा स्मॉग या ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट, तो उसमें फिर जो स्कैटर्ड लाइट है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सॉल्यूशन के कलर क्लियरली सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड डी एक्साइटेशन होता है उसके बेस में, हां हां दैट इज आल्सो अ रीजन ऑफ कलर, but wo reason like that is something which is you can say the color that we observe because of the ions present inside and wo ions mein jo electrons ke excitation de excitation ke energy levels hain, right, unki wajah se, theek hai, yahan par what we are saying or what we are seeing is a color associated with these colloids because of how they are interacting with the incident radiation on them and then how that radiation is scattered. So ye technically a physical phenomenon hai, kya phenomena hai, physically chemical kuch nahi hai, usko physical hai na, हाँ मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, लाइक ये जो गोल्ड का पार्टिकल्स रखे हुए हैं दे आर नॉट अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ रिएक्शन, दे आर जस्ट केप्ट देयर, ठीक है, गोल्ड के आयंस भी नहीं है, ये गोल्ड के एग्रीगेट पार्टिकल्स ही हैं। ओके सर, ठीक है, तो इसमें ये गोल्ड का एग्जाम्पल और ये सिल्वर का एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखना, दैट हाउ द कलर चेंजेस विद द पार्टिकल का साइज, ठीक है, एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेज हाउ द कलर इज चेंजिंग, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी। अब ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी नोटिस करना, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी रहती है ब्राउनियन मोशन की। क्या होता है ब्राउनियन मोशन, इट इज द कॉन्स्टेंट जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्यों होता है ये zigzag motion? The underlying reason is because of the impact, the collisions between the DP and DM particles. That is why this Brownian motion occurs.
नाउ ये ब्राउनियन मोशन के की फैक्टर्स क्या रहेंगे वो भी आप नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पर थ्रू दिस यू नो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनियन मोशन, लाइक कितना ये बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स लाइक डिस्टेंस कैसा हो रहा है ट्रैवल, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ब्राउनियन मोशन भी ज़्यादा होगा। अगर आपका पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, डीपी का साइज बढ़ जाएगा, तो फिर ब्राउनियन मोशन कम हो जाता है, ठीक है। एंड विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ डीएम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है तो भी ब्राउनियन मोशन आपका कम हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? All right. Then next observe करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में व्हाट वी आर सीइंग इज दैट ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उनकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट कोलाइडल पार्टिकल्स हैव वन लेयर ऑफ चार्ज्ड आयंस adsorbed on them, that is called as a fixed layer, and around this fixed layer there is another layer of oppositely charged ions which are present. Together these double layers are called as Helmholtz electrical layer or Helmholtz electrical double layer, and between these two layers there is this potential difference that gets generated, which is called as zeta potential or electrokinetic potential. That zeta potential or electrokinetic potential is actually a measure of the stability of the collider. So, jitna ye aapka zeta potential rahega, theek hai, utna hi stable hum ek collider ko bolenge. Stable in terms of what? Stable in terms of coagulation. Like, agar yahan par greater zeta potential hai, to this colloid is more stable against coagulation by electrolytes. ठीक है, तो ये एक electrical property का भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। So ये आपकी important properties थी associated with colloids. Then another important feature, इसमें किसी को कोई doubt है? Anything you would want to ask and understand? ठीक है, तो अब इसमें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज प्रॉपर्टीज वी अंडरस्टैंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर शोन बाय कोलॉइड्स विच इज कोएगुलेशन, राइट। तो ये कोएगुलेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ये नेसेसरी है, दिस इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। हाउएवर आप नोटिस करना दैट अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट देन व्हाट वी से इज दैट द कोलॉइड्स कैन गेट कोएगुलेटेड। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे इसमें जो ऑपोजिट चार्ज आयन्स होंगे वो कोलाइड के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दे वुड न्यूट्रलाइज इट और दे वुड रिमूव इट, एंड देन वो जो न्यूट्रल कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो आपस में मर्ज हो सकते हैं एंड कैन गेट प्रेसिपिटेटेड।
ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड एज द फिनोमेना ऑफ कोएगुलेशन. ठीक है. नाउ इसमें नोटिस करना sometimes this word coagulation is interchangeably used with this another word called as flocculation. Now ye flocculation kya hota hai, just ek chota sa difference hai between coagulation and flocculation, that lower concentration of electrolytes agar use karke coagulation karaya jata hai to wo reverse karaya ja sakta hai by simple shaking. So we call that as flocculation. But agar high concentration mein electrolytes use karke हम लोग कोएगुलेशन कराते हैं, देन दे सिंपली कैन नॉट बी रिवर्स बाय शेकिंग. ठीक है, तो उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं. तो एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन फ्लॉक्युलेशन एंड कोएगुलेशन. एक्सक्यूज मी सर. हां बोलो. सो ये फ्लॉक्युलेशन में मतलब अगर हम मिल्क में आपने जो एकदम लेमन डाल दें तो अगर उसमें थोड़ी अमाउंट का लेमन डाले तो ये हो सकता है क्या बाय शेक को रिवर्स करेगा? Well, in terms of reversible nature, like I would say that यहाँ पर अभी जो मैं primary discussion कर रहा हूँ ना electrolytes का, वो मैं in the context of lyophobic colloids कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे gold का salt हो गया, या फिर आपका ये AGI का colloidal salt हो गया, right? तो उसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोएगुलेशन हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लाइक रिग्रेसली शेक द सॉल्यूशन अगेन एंड दिस कैन ब्रिंग बैक द सस्पेंशंस. दे कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर साइज कोलाइडल पार्टिकल्स विच कैन अगेन अक्वायर दैट चार्ज लेयर ओवर देम एंड रिमेन इन कोलाइडल फॉर्म. बट अगर हम लोग ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे तो फिर व्हाट कैन हैपन इज दैट इवन आफ्टर शेकिंग लाइक द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज सो मच दैट दैट स्टेबल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड ओवर द कोलाइडल डायमेंशन पार्टिकल्स एंड दे अगेन यू नो दे गेट यू कैन से प्रेसिपिटेटेड. ठीक है, so this is what is a small difference between flocculation and coagulation. ab jo milk ka example keh rahe ho uske case mein what we see or understand is ki jab aap chote amount mein electrolytes dalte ho, theek hai, then like we don't even see the complete coagulation happening. theek hai, jo ye mere lyophilic colloid hote hain, ठीक है, उनमें काफ़ी अमाउंट में, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए रहता है सो एज टू कॉज द कोएगुलेशन. यहाँ पर लायोफोबिक कोलॉइड्स में लो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कोएगुलेशन करा जा सकता है. ठीक है, समझ में आया? Awesome. All right. So, coming back, अब ये जो coagulation कराना है आपको, इसके लिए multiple ways हो सकते हैं. ठीक है, like एक तो मैंने क्या बताया आपको, electrolytes को add करना है, like this is the most simple and the basic way. But एक दो तरीके और रहते हैं in which we can do the coagulation. One such way is electrophoresis. अभी नाम से सुनने में बड़ा फैंसी सा लग रहा है बट ये है बहुत सिंपल सा. लाइक आपको करना क्या है, आपको कोलॉइड को एक ट्यूब में डालना है. ठीक है, एंड उस ट्यूब के अक्रॉस यू हैव टू सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. तो व्हाट विल हैपन इज लेट्स से आपका अगर नेगेटिव कोलॉइड था तो ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे. And when they reach there, they will lose up their charge and then they will merge with each other and form precipitate. So this will be also a way in which coagulation can be done. ठीक है, इसको बस एक fancy नाम दे दिया है called as electrophoresis. ठीक है,
what it tends to talk about is that is existence of charge on colloidal particles is confirmed by this electrophoresis experiment. And when the electrode potential or electric potential is applied, the colloidal particles move towards the opposite charge. And when these charges reach the opposite charge plate, the charge gets removed and then they coagulate or settle down under the force of gravity. ठीक है, अब इसी में एक और टर्म ये इलेक्ट्रो ओस्मोसिस भी यूज किया जाता है. ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सूटेबल मींस, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिस्पर्शन मीडियम डीएम बिगिंस टू मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ओस्मोसिस. सो अब यहाँ पर अगर मैं लाइक कोई मेम्ब्रेन लगा दूं जो कि इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने दे, ठीक है, देन what happens is that the DM, dispersion medium, के particles move करने लग जाते हैं under the influence of that electric field. And इसको हम लोग electro-osmosis बोलते हैं. तो ये words, if you come across like electro-osmosis या electrophoresis, तो इनके बारे में एक basic idea आपको होना चाहिए. ठीक है? So this electrophoresis, like this is what the definition of electrophoresis is. Movement of colloidal particles under an applied electric potential. But this is also used as a technique for coagulating. ठीक है? Another technique for coagulating was addition of electrolytes, जैसे मैंने आपको बताया. अब इसमें अगर आपके पास में let's say positively charged colloid है, तो electrolyte के जो anions हैं, वो coagulation में help करेंगे. अगर negatively charged colloid है, तो electrolyte के cations coagulation में help करेंगे. Right? So this is something which we see from substance to substance. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा elaborate करते हैं. Like there is this term called as coagulation value or flocculation value, which we see as a measure of how good an electrolyte is in coagulating a colloid. So let's say we have a 1 liter of colloidal solution. इसमें कितने millimoles, ठीक है, of an electrolyte is to be added so as to cause complete coagulation of that colloid. That is what is called as coagulation value. तो अगर कोई electrolyte की coagulation power ज़्यादा होगी तो उसका कम amount लगेगा. तो we can see अगर किसी electrolyte का coagulation value कम है तो we'll say उसका coagulation power ज़्यादा है. ठीक है, now how do we compare this coagulation power amongst electrolytes? तो उसके दो criteria हैं. एक तो strong electrolyte weak electrolyte से ज़्यादा रहता है, पहला ये criteria है. और दूसरा क्या criteria है? The charge, which is captured under this rule called as Hardy-Scholes rule. तो अगर आप जिस ion से coagulate कर रहे हो उसका charge, उसकी valency अगर ज़्यादा है तो उसकी precipitation कराने की, coagulation कराने की power ज़्यादा है, उसका कम amount लगेगा so as to cause the coagulation of the entire colloid. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पर एक पॉजिटिव कोलॉइड है और इस पॉजिटिव कोलॉइड को आपको कोएगुलेट कराना है यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट. सो ये चार पांच ऑप्शंस है आपके सामने कोएगुलेशन कराने के लिए. अब क्योंकि ये पॉजिटिव कोलॉइड है तो कौन सा आयन इलेक्ट्रोलाइट का काम आएगा? इट विल बी द नेगेटिव चार्ज आयन, द अनायन, विच विल बी यूजफुल इन कोएगुलेटिंग. सो इन चारों इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं अनायन कंपेयर करूंगा एंड इनके चार्ज लाइक यू कैन सी दीज आर द अनायंस -4, -3, -2, -1. तो इनमें किसका क्वांटिटी मुझे सबसे कम लगेगा? द वन विच हैज द ग्रेटर चार्ज. तो उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा रहेगी, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम रहेगी. तो इसके लिए मुझे कम अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट लगेगा टू कॉज द कोएगुलेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट इज Hardy-Scholes रूल. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट आई हैव अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, ठीक है, एंड ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट के ऑप्शंस हैं, तो किसकी पावर ज्यादा होगी अमंग्स द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू मी? क्या ऑर्डर रहेगा? हाँ बोलो. एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम. हाँ, इसमें मुझे अब क्या कटायन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के कटायन में देखूंगा और कटायन का चार्ज इस मैनर में रहेगा तो कोएगुलेटिंग पावर भी इंक्रीजिंग मैनर में रहेगी एंड मुझे कोएगुलेशन वैल्यू लाइक इनका अमाउंट कम लगेगा. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है मतलब जिसमें कोएगुलेशन वगैरह के बारे में बात करा जाता है, इसमें यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोइंग ऑफ कटायन एंड आयन का
और दिस थिंग चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चंस, ठीक है, एक बार रुको मैं आप लोगों को, गिव मी वन मोमेंट, आई विल जस्ट रिमूव सर्टन आंसर्स एंड देन आपसे पूछता हूँ. ठीक है, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है. ऑलराइट, सो लेट्स से तीन क्वेश्चन है आपके सामने, इनका आप कैसे आप आंसर करोगे. तो सबसे पहले ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड है. अब इनमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इफेक्टिव रहेगा वो हम कैसे जज करेंगे. इसमें देखो ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो था ये मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव कोलाइड रहता है, राइट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अनायंस आर व्हाट इज गोइंग टू बी योर फोकस. ये माइनस वन चार्ज का, ये भी माइनस वन चार्ज का, ये माइनस टू चार्ज का और ये माइनस थ्री चार्ज का है. तो इसमें द मोस्ट इफेक्टिव वन विल बी द वन विच दिस माइनस वन चार्ज, सॉरी माइनस थ्री चार्ज. यही तो मैंने बोला था, आपको एग्जांपल ध्यान में रखने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट कि कोलाइड्स पॉजिटिव नेगेटिव है, उसका आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे गोल्ड सॉल था, ये भी नेगेटिव सॉल होता है, राइट. तो अब आपको यहाँ पर कटायंस पे फोकस करना पड़ेगा, राइट. एंड कटायंस पे आप फोकस करोगे तो ये प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन चार्ज का कटायन है. तो कौन सा रहेगा जो सबसे कम अमाउंट पे रिक्वायर्ड होगा. नहीं नहीं ये रहेगा ना, इसमें प्लस थ्री चार्ज का कटायन है तो इसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो इसके सबसे कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा ना. बी बोला, बी. हाँ, राइट. ठीक है, देन आर्सेनिक सल्फाइड, यू आल्सो नो दैट इट इज अ नेगेटिव सॉल, राइट. सो नेगेटिव सॉल के लिए अब अगेन कटायंस ऑब्जर्व करने हैं, तो लीस्ट कोएगुलेटिंग पावर विल बी वन विद द लीस्ट चार्ज. सर, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए हम बस लॉजिकल मेथड नहीं है क्या, या रखना ही पड़ेगा. क्या 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 पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व है ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई लॉजिकल मेथड नहीं है या रखना ही पड़ेगा. एग्जांपल्स एग्जांपल्स ध्यान में रखना पड़ेगा.
ओके सर ठीक है। ऑलराइट सो ये आपका कोएगुलेशन का प्रॉपर्टी रहेगा ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है इसमें लाइक गोल्ड नंबर वाला पार्ट है एंड देन प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स है और थोड़ा सा उसका प्योरिफिकेशन और एप्लीकेशन है ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में कवर कर देता हूँ मैं ठीक है। या फिर एक गोल्ड नंबर वाला तो चलो सुनते जाओ। गोल्ड नंबर वाला एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है। गोल्ड नंबर वाले के ऊपर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो काफ़ी इजी रहेंगे। सो जैसे ये कोएगुलेटिंग पावर के बारे में हम लोगों ने बात करा ठीक है। ये कोएगुलेटिंग पावर किसके लिए था? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वैसे ही एक प्रोटेक्टिंग पावर होता है ये हम डिफाइन करते हैं किसके लिए? लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए ठीक है। कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल्ट जो है ये लायोफोबिक कोलाइड्स जो है ये रेडिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है। बट इनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे? बाय एडिंग लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या होता है ये लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं ठीक है यहाँ पर नोटिस करना दिस प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन कैसे होता है यहाँ पे नोटिस करना। द लायोफिलिक कोलाइड इट प्रोटेक्ट्स द लायोफोबिक कोलाइड बाय फॉर्मिंग अ थिन लेयर अराउंड इट ठीक है। एंड दिस कैन देन फर्निश और प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोएगुलेटिंग दिस कोलाइडल पार्टिकल ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ अ लायोफिलिक कोलॉइड कैन प्रोटेक्ट अ लायोफोबिक कोलॉइड ठीक है। अब इस चीज को मेजर में ही करा जा सकता है ठीक है दैट कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलॉइड। तो यहां पे नोटिस करना हाउ दैट मेजरमेंट इज डन। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ से नोटिस करना हम लोग 10 ml का लायोफोबिक कोलाइड लेंगे ठीक है। 10 ml का गोल्ड सॉल्ट ले लिया ठीक है। अब अगर इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा कितना डालूंगा 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा व्हाट विल हैपन ये गोल्ड सॉल्ट कोएगुलेट कर जाएगा और कोएगुलेट करने पर क्या होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड टू ब्लू ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना वी हैव अ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट जो कि रेड कलर का है अभी और इसका मैंने 10 ml लिया और इसमें मैं ये इलेक्ट्रोलाइट 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालूंगा तो उससे क्या होगा कर रही थी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफोबिक सॉरी लायोफिलिक कोलाइड्स कैसा रहता है। यहाँ पे नोटिस करना वी हैव दिस स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट ठीक है रेड कलर का रहता है ये 10 ml लेंगे इसका। अब इसमें हम लोग 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालेंगे ठीक है उससे क्या हो जाएगा कोएगुलेशन। सो वी ऐड द इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन हो जाएगा और पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा और उससे इस गोल्ड सॉल्ट का कलर चेंज हो जाएगा ये रेड से ब्लू हो जाएगा ठीक है। अब हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्री मिक्सिंग सम लायोफिलिक कोलाइड। तो दिस प्री एडिंग या प्री मिक्सिंग ऑफ लायोफिलिक कोलाइड गिव्स यू द आंसर ऑफ गोल्ड नंबर दैट मिनिमम कितना मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड मैं ऐड करूं ताकि ये कलर चेंज नहीं हो ठीक है। मैं कितना लायोफिलिक कोलाइड कितना मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड डालूं ताकि वो इन सब कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड को प्रोटेक्ट कर दे और ये कलर चेंज को प्रिवेंट कर दे इवन इफ वी ऐड दिस 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर ठीक है। एंड
ग्रेटर द गोल्ड नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर. ठीक है, लेसर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी कि मैं कितना मिलीग्राम्स लायोफिलिक कोलाइड ऐड करके रखूं इन द गोल्ड सॉल्ट, इन द लायोफोबिक सॉल्ट, दैट 10 ml उसका गोल्ड सॉल्ट का कलर चेंज नहीं करे जब मैं उसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालूं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स. समझ में आया? Yes, sir. So this is what is called as the gold number. ठीक है, तो आपके पास में let's say ये different lyophilic colloids हैं, इनकी gold number दिए हुए हैं. ठीक है, तो gold number क्या represent करता है कि उतना milligram let's say gelatin का gold number है 0.2. तो what it says is कि अगर मैं 0.2 milligram gelatin 10 ml gold के sol में, standard gold sol में डाल दूंगा, तो it can prevent the color change from red to blue if 1 ml of 10% NaCl electrolyte is added. ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा रहता है, इसके ऊपर ये सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं, लाइक व्हाट डज गोल्ड नंबर मीन, लाइक गोल्ड नंबर इज इट द अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन द कोलॉइड, इज इट द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोलॉइड, इज इट द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कोलॉइड, ये सब गलत है. What is gold number? It is the amount of lyophilic colloid required to protect lyophobic colloid. ठीक है, this is what the gold number is. So gelatin protects what? Gelatin protects lyophobic colloids. So gold, arsenic sulfide, FeOH whole thrice, ये सब lyophobic colloids हैं. तो आपको अगर ये example याद नहीं है तो फिर आप इस question का answer नहीं दे पाओगे. ठीक है, अगर आपके सामने ये blank question मैं ऐसे रख दूँ, like gelatin protects which salt? ठीक है, तो आप सोचोगे कि ये क्या है, हाउ इज जेलेटिन प्रोटेक्टिंग व्हाट सॉल, आई डोंट नो. बट इफ यू रिमेंबर कि ये तीनों एग्जांपल लायोफोबिक के थे और जेलेटिन लायोफिलिक का था, देन यू विल रिमेंबर कि अच्छा अच्छा ये गोल्ड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज अ लायोफोबिक कोलॉइड कैन प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलॉइड्स. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें एग्जाम्पल का काफी क्रूशियल इंपॉर्टेंस रहेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो ये चार कोलॉइड्स दिए हुए हैं, ओ पी क्यू आर, और ये इनके गोल्ड नंबर है, तो किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है? द वन विच हैज द लीस्ट गोल्ड नंबर, उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा रहेगी. ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर. तो 29th का आंसर बुकलेट में गलत दिया है क्या? बुकलेट में क्या दिया है? गोल्ड सॉल दिया है, ये दिया है. अच्छा, मैं भी देखूं एक बार. 29th में जिलेटिन प्रोटेक्ट्स, एक्चुअली सिर्फ गोल्ड सॉल ही दिया हुआ है उसमें एज एन एग्जाम्पल. बट ठीक है, वो एक्चुअली बाकी लायोफोबिक कोलॉइड्स को भी प्रोटेक्ट करता है. जो गोल्ड है वो तो खैर हमने बेंचमार्क लेने के लिए लिया ही है, मतलब लाइक दिस गोल्ड इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दैट वी यूज. ठीक है, बट दीज लायोफोबिक कोलॉइड्स कैन गेट प्रोटेक्टेड बाय अदर लायोफिलिक कोलॉइड्स एज वेल. तो इसका टेक्निकली करेक्ट आंसर तो डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, चलो इसके आगे के क्वेश्चंस फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ. ठीक है, इसके थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री का पूरा अटेम्प्ट करना है ना एफबीओ. हाँ हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस में अटक सकते हो जहाँ पर थोड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर रहेगा, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, जितना मैंने बताया है वो आप डेफिनेटली ट्राई करो. कल ही है अपना क्लास, है ना? कल ही डिस्कशन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं. ठीक है, ठीक है, चलो. थैंक यू सर. टेक केयर गाइस, थैंक यू.